नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज एक तूफानी तेजी देखने को मिली और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तेजी के साथ बड़े लेवल्स पार होते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम बहुत जोरदार होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शेयर के प्राइस की, आज के दिन 1800 के ऊपर जाके स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है, 77 रुपए की शानदार तेजी, 4.5% का एक बड़ा उछाल जो है बजाज फिनसर्व में देखने को मिला। तो क्या दोस्तों, ये स्टॉक अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, नए हाइस की तरफ ये स्टॉक भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना करेक्शन होना था इस स्टॉक में पूरा ओवर होता हुआ दिख रहा है, अब नए हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज जिस तरीके के वॉल्यूम देखने मिले, लगभग 69 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम जो थे आज के दिन होते हुए दिखाई दिए, और ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा जो है इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक अब बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज जैसे ही स्टॉक की ओपनिंग हुई थी, दिन का 1721 का लो लगा, 1805 का हाई, और ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। सुबह से लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ शो करता हुआ दिख रहा था और ऊपरी लेवल पे जाके दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। इस स्टॉक के बारे में अगर कुछ समझने की कोशिश करें ओवरव्यू को, 34 की ईपीएस पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, 52 से ऊपर का पी रेशियो है इस स्टॉक का, सेक्टर पी जहाँ पे 39 40 के आसपास का, उसके मुकाबले स्टॉक महंगा देखने मिलता है, लेकिन मार्केट कैप इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ होने वाला है, 2,86,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का, और 4.33 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिलता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है फेस वैल्यू 10 की थी, जो कि अब 1 हो गई, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे 18,000 का स्टॉक था, अब 1,800 का देखने को मिल रहा है, 1:10 यहाँ पे बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों देखने मिला था, इस कारण से यहाँ पे एक शानदार तेजी जो है बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, आज के दिन बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, अपने पुराने हाई जो है लगभग जो कि इसने सेप्टेम्बर के आसपास लगाए थे, उस लेवल के आसपास आज इसकी क्लोजिंग आई है। अब सोमवार के लिए या अगले हफ्ते के लिए किस तरीके के संकेत अगर इसके ऊपर समझने की कोशिश करें, तो थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर से अक्टूबर के आसपास अगर हम देख रहे हैं, तो 19,300 के आसपास, और अगर एडजस्ट करके बात करें तो 1930 रुपए के आसपास के जो हाइस थे वो इस स्टॉक में लगते हुए दिखाई देते थे। उसके बाद स्टॉक एक डीप करेक्शन में गया था और कहीं ना कहीं 1100 तक के भी लेवल जो है इस स्टॉक में देखने मिले थे जून जुलाई के आसपास में, पर उसके बाद एक वी शेप रिकवरी जो है वो यहाँ पे देखने मिली थी, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन बड़ा फेज था इतनी बड़ी तेजी के बाद, और इस स्टॉक ने इतनी बड़ी फेज में भी इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं 1600 1620 के लेवल जो थे उसको अच्छा खासा रेस्पेक्ट दिया, और उसी लेवल से ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे इस स्टॉक के लिए एक स्पॉट लेवल जो है, जिसकी अगर हम बात करें, 1810 के आसपास का लेवल है, 1810 1815 का, जिस लेवल के आसपास ये स्टॉक पिछले लगभग 1.5-2 महीने से कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद, यहाँ पे अब वीकेंड भी है लंबा 2 दिन का, और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत जोरदार होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इस स्टॉक की ओपनिंग 1810 के ऊपर होती है सोमवार के दिन, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग जो है यहाँ पे देखने मिल सकती है, और मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं इस स्टॉक के साथ है, पिछले 4-5-6 दिनों से अगर हम देख रहे हैं पॉजिटिव सरफेस के साथ ही यहाँ पे आपको एक तेजी देखने मिल रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग हर दिन होती हुई दिख रही है, और एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है 1810 के ऊपर देखने मिलेगी, और स्टॉक से कहीं ना कहीं 1900 की रेंज में जाता हुआ देख सकता है, जो कि इसका एक अगला टारगेट होगा, जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे आप मान सकते हैं, क्योंकि ये पिछला हाई था, यहाँ पे बहुत से लोग फंसे होंगे, तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आपको पिछले साल के हाई के आसपास एक बार देखने मिल सकता है, लेकिन अगर वो लेवल पार होता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार 2000 की तरफ आपको बहुत ही जल्द मूव होता हुआ दिखाई देगा, और अगर निफ्टी ने 18,600 का अपना निफ्टी ने हाई काटा, तो डेफिनेटली आपको ये उसको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और फिर बहुत बड़े टारगेट जो आते हुए दिखाई देंगे। और इसका आप हिस्टोरिकल अगर आप देखें, तो जब जब इस स्टॉक ने अपने पुराने लंबे हाइस को काटा है, बहुत बड़ी मूव दोस्तों इस स्टॉक में आई है, जब हमने देखा था कोरोना क्रैश के बाद इसने 10,000 का अपना हाई काटा था, और उसके बाद देखा 10,000 से स्टॉक सीधा 19,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया था नॉन स्टॉप, फिर एक बड़ी करेक्शन देखने मिली, डिप में जिसने खरीदा उसने यहाँ पे फायदा उठाया, एक शानदार तेजी से स्टॉक में होती हुई दिखाई दी, और अब फिर स्टॉक ये कहीं ना कहीं अपने पुराने हाई को काटने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक एक बार अगर 1900 के लेवल को काटेगा तो 25,000 के लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन अभी इतने बड़े टारगेट की बात करना बेमानी होगी, लेकिन डेफिनेटली 2000 का एक साइकोलॉजिकल टारगेट यहाँ पे माइंड में रखा जा सकता है कि अगर ये लेवल्स पार होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में 2000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की और वीडियो आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।